नेटफ्लिक्स खतरे में है। आज के टाइम जो हम लोग ऑनलाइन मूवी सीरीज देखते हैं इसको पॉपुलर करने का काम नेटफ्लिक्स ने ही किया और ऑलमोस्ट 15 साल से वो मार्केट लीडर है। नेटफ्लिक्स का बिजनेस इतना बड़ा हो गया ना कि उसके पास 220 मिलियन पेइंग सब्सक्राइबर हैं, जो लोग उसको मंथली पैसा देते हैं, शेयर नहीं करते तुम्हारे जैसा। लेकिन अब नेटफ्लिक्स के अच्छे दिन जाने वाले क्योंकि डिज्नी प्लस उसको कैचअप कर रहा है। 10 साल से भी ज्यादा लेट होने के बाद भी आज डिज्नी प्लस के पास 152 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें से 58 मिलियन तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि डिज्नी ने बाकी स्ट्रीमिंग सर्विस के अंदर भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि हुलू, ESPN प्लस, और अगर हम लोग ये तीनों के सब्सक्राइबर मिला दे तो वो होते हैं 221 मिलियन नेटफ्लिक्स से ज्यादा। नेटफ्लिक्स 15 साल से, लेकिन डिज्नी प्लस को सिर्फ 2.5 साल हुए हैं। और टेंशन की बात तो ये है कि आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर लूज कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन गवाया उसने 3 महीने में। वहीं पे डिज्नी प्लस ने 14 मिलियन ऐड करे। अब इसमें मार्वल का कितना बड़ा हाथ है।